नमस्कार बच्चों, आज हम धर्म की आर चैप्टर के प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ प्रश्नों के उत्तर हमने आपको करवा दिए थे मौखिक, और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो हम आज करेंगे। तो ये इन प्रश्नों के उत्तर आपको 25 से 30 शब्दों के बीच में देने हैं। पहला प्रश्न है, चलते कुजे लोग धर्म के नाम पर क्या करते हैं? चलते कुजे लोग धर्म के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाते हैं और धर्म की आड़ में उनसे फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि धन की लूट खसोट भी करते हैं। वही दूसरा प्रश्न है, चालाक लोग साधारण आदमी को किस अवस्था का लाभ उठाते हैं? चालाक लोग साधारण लोगों की गरीबी और अशिक्षता, यानी कि उनके अनपढ़ होने का लाभ उठाते हैं, क्योंकि गरीब लोग ये नहीं समझ पाते कि सामने वाला उनसे किस तरह से अपना स्वार्थ की सिद्धि कर रहा है। तो चालाक लोग गरीबी और अशिक्षा का फायदा उठाते हैं और धर्म के नाम पर उन्हें मूर्ख बनाते हैं। आने वाला समय किस प्रकार के धर्म को टिकने नहीं देगा? आने वाला समय आडंबरों से भरे हुए धर्म को टिकने नहीं देगा। ऐसे लोगों को समाज में वो नहीं रहने देगा जो लोग सुबह शाम पूजा पाठ करते हैं और बाकी का समय आपके जीवन पाप का जीवन व्यतीत करते हैं। तो आज की युवा पीढ़ी दिखावे के धर्म को नहीं टिकने देगी। कौन सा कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाएगा? देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाने वाला कार्य धर्म के नाम पर लोगों को ठगा जाना, बेईमानी, अत्याचार, इन सारे कार्यों को वो अब स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाएगा और ये देश के लिए खतरे का निशान होगा। इसीलिए आने वाली पीढ़ी इसको क्या समझेगी? देश के विरुद्ध समझेगी। स्वाधीनता यानी आजादी के विरुद्ध समझा जाएगा। पाश्चात्य देशों में धनी और निर्धन लोगों में क्या अंतर है? पाश्चात्य देशों में धनी और निर्धन लोगों में यही अंतर है कि वहाँ पर कम से कम जो धनी वर्ग है वो निर्धन, धनी वर्ग तो काम करके और अधिक धनी होता जा रहा है और निर्धन वर्ग का वो शोषण कर रहा है, लेकिन निर्धन वर्ग को कम से कम धर्म के नाम पर लूटा तो नहीं जा रहा। कौन से लोग धार्मिक लोगों से अधिक अच्छे हैं? वो लोग जो धर्म के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाते हैं और पूजा पाठ करते हैं, दिखावा करते हैं, किंतु बाद में बेईमानी करते हैं। इसलिए लेखक ने कहा है कि धार्मिक लोगों से अच्छे तो नास्तिक लोग हैं, जो कम से कम ईश्वर के नाम पर लोगों को मूर्ख तो नहीं बनाते और ईश्वर उन्हें ज़्यादा चाहेगा, ज़्यादा पसंद करेगा। फिर बच्चों कुछ प्रश्नों के उत्तर हैं जो हमें 50 से 60 शब्दों में देने हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, धर्म के नाम पर किए जाने वाले व्यापार को कैसे रोका जा सकता है? धर्म के नाम पर किए जाने वाला व्यापार बहुत व्यापक स्तर पर हमारे देश में फैला है और जिसकी जड़ें काफ़ी मजबूत हैं, जिसे हिलाना आसान नहीं है, क्योंकि धर्म और जाति के नाम पर हमारा देश पूरा बटा हुआ है और धर्म व्यक्ति की भावनाओं से जुड़ा है। किंतु फिर भी धर्म के नाम पर किए जाने वाले व्यापार को रोकने का एकमात्र उपाय है व्यक्तियों को शिक्षित करना, जागरूक करना, अवेयर करना, और इस जागरूकता और शिक्षित होने के बाद ही भारतीय समाज में परिवर्तन होगा। लोग धर्म को सही अर्थों में जानेंगे, सदाचार, सद्व्यवहार, दयालुता और परोपकार के मार्ग पर जब हम चलेंगे तो वही हमारा सच्चा धर्म होगा। ऐसी सोच जब लोगों में विकसित होगी तभी हम इस व्यापार को रोक सकते हैं। तो बच्चों अगला प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में धर्म की भावना कैसी होनी चाहिए? लेखक ने कहा है कि मेरी दृष्टि में धर्म की भावना सद्भावना से भरी होनी चाहिए, यानी परोपकार, अहिंसा, सत्य, ये ही सही मायनों में धर्म है। वही अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के धर्म संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। महात्मा गांधी के धर्म संबंधी विचार थे, महात्मा गांधी धर्म को सर्वोपरि मानते थे। उन्होंने कहा था कि धर्म से परे कुछ भी नहीं है, यानी धर्म को प्रमुख स्थान देते थे और धर्म से ऊपर उठकर वो कोई कदम नहीं उठाते थे। महात्मा गांधी ने भी धर्म की उच्च भावना यानी सद्भावना को ही सच्चा धर्म माना है। वही अगला प्रश्न है, सबके कल्याण हेतु अपने आचरण को सुधारना क्यों आवश्यक है? यदि हमें पूरे विश्व को, अपने पूरे देश को और सब लोगों को सुधारना होगा, सबका कल्याण सोचना होगा, तो हमें अपने आदतों को सुधारना होगा, यानी हमें अपने आचरण को सुधारना होगा। जब हम परोपकारी और सद्भावना से कार्य करेंगे तो सामने वाला भी उससे प्रेरित होगा। यानी लोगों को सुधारने के लिए, अपने देश को सुधारने के लिए हमें सबसे पहले अपने आचरण को, अपने व्यवहार को सुधारना होगा। तो बच्चों इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तर हो चुके हैं और आपको इन सारे प्रश्नों को अपने नोटबुक में करना है। आशा है पाठ आपको समझ में आया होगा
पाठ के माध्यम से हमने ये जाना कि हमें आडंबरों से दूर और परे धर्म को अपनाना चाहिए, चाहे हम नास्तिक ही क्यों ना हो, पर लोगों की सेवा करना, सद्भावना, परोपकार ही हमारा सच्चा धर्म है और हम इस सच्चे धर्म के अनुसार अपनी धार्मिक गतिविधियों को पूरा करें और आडंबरों से दूर रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।